एपीजी अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम था। वे भारतीय लोगों के दिलों में जनता के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में हमेशा शामिल रहे। इनका जन्म जैनुल आबेदीन और अशियम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी उनकी समर्पित भागीदारी थी। डॉक्टर कलाम वर्ष 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सेक्रेटरी भी बने। एक वैज्ञानिक सलाहकार के साथ ही वह इसरो और डीआरडीओ में अपने योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम ने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम से युवाओं के लिए एक मिशन की शुरुआत की।